गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल प्रमोशन के ऊपर। ठीक है, सेल प्रमोशन का मीनिंग और टूल्स क्या है सेल प्रमोशन के। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको सेल प्रमोशन का मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो सेल प्रमोशन क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपने कस्टमर को देते हैं। ठीक है, इंसेंटिव शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि हम उनको अट्रैक्ट कर सकें हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ हम उसको अट्रैक्ट करें कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है उसको बाय करें। ठीक है, उसको साथ ही साथ कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट्स प्रोवाइड करके, ठीक है, सैम्पल्स प्रोवाइड करके हम उसको क्या है अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन के बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, टूल्स ऑफ सेल प्रमोशन का मतलब क्या है, टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत सारे मेजर्स जो हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की सेल्स, ठीक है जी, उसको इंक्रीज करने के लिए जो भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, जिसने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, वो बहुत मेजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्री सैम्पल प्रोवाइड करते हैं, बोनस देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मेजर्स होते हैं इनको हम टूल्स और टेक्निक बोलते हैं सेल्स प्रमोशन की। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ टूल्स, ठीक है, कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फ्री सैम्पल्स। ठीक है, तो फ्री सैंपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कस्टमर को, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है उसको ट्राई करें, और जिससे हमारे न्यू कस्टमर जो हैं वो क्रिएट हो। ठीक है, सम बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैंपल्स, ठीक है जी, अमंग सेलेक्टेड पर्सन, ठीक है जी, जो इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज द प्रोडक्ट, की जो सेलेक्टेड पर्सन होते हैं उनके बीच जो फ्री सैंपल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि अपने प्रोडक्ट को फेमस कर पाएँ। ठीक है, सारे उनके प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल्स क्या है फ्री सैंपल्स में, ठीक है, शैम्पूज़, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, ये छोटे छोटे शैशेज होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज़ प्रीमियम और बोनस ऑफर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक रिवॉर्ड होता है जो हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देते हैं। ठीक है, ये टूल जो है वो हमारी हेल्प करता है, ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनमें इंक्रीज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के जो एक मिल्क शेकर जो है वो नेस्कैफे के साथ दिया जाता है। ठीक है, एक मग जो है वो बॉर्नविटा के साथ दिया जाता है। ठीक है, टूथब्रश जो है वो 500 ग्राम्स के टूथपेस्ट के साथ, ठीक है जी, फ्री दिया जाता है टूथब्रश। तो ये एग्जांपल्स है प्रीमियम और बोनस ऑफिस पर। ठीक है, सेकंड थर्ड इज़ एक्सचेंज स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट रेफर्स टू ऑफरिंग एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एट प्राइस लेस देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने अपना ओल्ड प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज करना है किसके लिए, न्यू प्रोडक्ट के लिए, किस प्राइस से, कम प्राइस, जो उसका न्यू प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस है उससे कम प्राइस में उसको एक्सचेंज करना है। ठीक है, दिस इज़ यूजफुल फॉर ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ टू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, अपने प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट के लिए अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसमें क्या होगी, ठीक है, कि आप अपना ब्रिंग योर ओल्ड मिक्सर कम यूज़र, कि अपना पुराना जो मिक्सर यूज़र है, ठीक है, उसको लेकर आओ और उसकी जगह अपन न्यू वाला ले लो जस्ट 500 रुपीज़ पे करके। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ ऑफर। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो किस प्राइस पर सोल्ड किया जाता है, लोअर प्राइस पर देन ओरिजिनल, जितना उसका ओरिजिनल प्राइस होता है उससे कम प्राइस में उसको सोल्ड किया जाता है, डैट इज़ प्राइस ऑफ ऑफर। ठीक है, इस दिस टाइप ऑफ स्कीम इज़ डिज़ाइन टू बूस्ट अप सेल्स इन ऑफ सीजन। ठीक है, कि जब किसी चीज़ का सीज़न ख़त्म होने वाला होता है ना, तो तब ये जो स्कीम है यूज़ की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो और समटाइम जब आपने न्यू प्रोडक्ट ऑफर करना होता है तब भी ये स्कीम जो है वो चूज़ की जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि आप ₹2 ऑफ़ कर रहे हो, ठीक है जी, लाइफ बॉय सोप के ऊपर अगर आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, ₹15 ऑफ़ कर रहे हो 250 ग्राम के पैक पर ताजमहल टी के, है ना, तो ₹1000 जो है वो आप ऑफ़ कर रहे हो कूलर पर, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, प्राइस ऑफ ऑफर की। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कूपन्स। ठीक है, कूपन्स में क्या है कि समटाइम जो है कूपन जो है वो इशू किए जाते हैं मैन्युफैक्चर के द्वारा पैकेट के अंदर में, या किसी एडवर्टाइजमेंट जो है ना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे के, ठीक है, या मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, ठीक है, सारे में दे के। तो हाँ जी, कूपन्स में क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि कूपन जो है वो मैन्युफैक्चर, ठीक है, अपने पैकेट के अंदर जो है ना प्रोडक्ट जो है उसके अंदर, या किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर, मैगजीन में
एडवर्टाइजमेंट देकर जाना मेल के थ्रू, ठीक है, उनको कूपन ऑफर करता है। तो ये जो कूपन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कैन बी प्रेजेंटेड टू द रिटेलर वाइल बाइंग द प्रोडक्ट, ठीक है, रिटेलर को प्रेजेंट किया जाता है जब उन्होंने प्रोडक्ट जो है बाय करना होता है, ठीक है। तो जो होल्डर होता है कूपन का, उसको डिस्काउंट मिल जाता है प्रोडक्ट को खरीदने पर, ठीक है। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कूपन्स की, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कूपन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, ठीक है, जैसे डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ठीक है। फेयर्स और एग्जीबिशन में क्या होता है कि मे बी ऑर्गेनाइज, ठीक है, लोकल लेवल पर, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट की उसकी फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये फेयर्स और एग्जीबिशंस जो हैं वो लगाई जाती हैं, ठीक है जी। तो अपार्ट फ्रॉम दी स्मॉल स्टॉल्स आर ऑल्सो प्लेस्ड इन पॉपुलर लोकेशन, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी फेयर्स एग्जीबिशन लगाने से अलावा, ठीक है, स्मॉल स्टॉल्स जो होते हैं वो भी प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, पॉपुलर लोकेशन पर, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड किया जाता है, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज बोनस पॉइंट। सर्टन शॉप्स क्या करती है कि विल हैव अ स्कीम विच विल रिक्वायर द कस्टमर टू बी अ मेंबर ऑफ द शॉप, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है वो शॉप का मेंबर बन सकता है, उनको एक मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है, ठीक है, इस मेंबर बनने के लिए, ठीक है, हर एक टाइम, ठीक है, कस्टमर को जब वो परचेज करता है तो उसको बोनस पॉइंट दिए जाते हैं जो उसके कार्ड में ऐड हो जाते हैं, और जब साल का एंड होता है तो उसको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जितने पॉइंट उसने अर्न किए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जांपल है कि कॉफ़ी डे बोनस पॉइंट्स कार्ड, ठीक है, मनी बैक ऑफर, ठीक है। इसमें क्या होता है स्कीम के अंदर कि कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है कि उनको फुल वैल्यू जो उनके प्रोडक्ट की उनको रिटर्न की जाएगी, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते, अगर प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं होते तो उनको प्रॉपर, ठीक है, जो मनी है वो फुल मनी जो है उनको वापस की जाती है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कस्टमर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, ये टेक्निक जो है वो यूज़फुल है न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। स्क्रैच एंड विन ऑफर, नेक्स्ट है स्क्रैच एंड विन ऑफर। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को इंड्यूस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करे, उसके अंदर एक स्क्रैच एंड विन स्कीम जो है वो ऑफर्ड की जाती है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है वो किसी, है ना, मार्क्ड एरिया को ऐसे स्क्रैच करता है, पैकेज पर स्क्रैच कर, है ना, दिया होता है तो वहाँ पर स्क्रैच करता है तो उसको कुछ, है ना, बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी मैसेज उसमें लिखा होता है। कि कई बार क्या होता है, जैसे अभी लेज के पैकेट है तो उसके अंदर, ठीक है, उसमें एक कोड लिखा होता है, ठीक है, कि आप इतना कोड करो तो, है ना, ये कोड डाइव करो तो आपको इतना MB का नेट जो है वो फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं उसके, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक सेल्स प्रमोशन का, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेल्स प्रमोशन का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या पहले हमने कोई भी टॉपिक किया है उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।